Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. हमारे पास एक query और आई है आज. वो ये जानना चाहते हैं कि उनको nasal polyp भी है और flat, wide nose है और दोनों के treatment के बारे में जानकारी चाहते हैं. तो देखिए, बेसिकली एज ए कॉस्मेटिक सर्जन हम लोग जो है जैसे नेजल पॉलिप है, टर्मिनेट्स वगैरह है, हालांकि कर सकते हैं, लेकिन हम जो एटलीस्ट मैं पर्सनली कहता हूं कि आप पहले अपने ईएनटी सर्जन से मिलें और उस वो देख के आपको बताएंगे कि भाई आपके पॉलिप्स का क्या कारण है और उसका क्या बेटर निदान है और उसका पहले ट्रीटमेंट करवा लीजिए उनसे, ईएनटी सर्जन से. जब वो ट्रीटमेंट हो जाए और आपको लगे आपके जो है अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई साइनोसाइटिस नहीं है, देन यू शुड कम फॉर राइनोप्लास्टी. क्योंकि आपकी जो फ्लैट और वाइड नोज़ है इसमें दो चीज़ें मेन हैं. अगर नाक आपकी चपटी हो गई है तो हमें यहाँ से हड्डी को काट के थोड़ा पास पास लाना पड़ सकता है, लेकिन उसके पहले हमें जो चपटी नाक को उठाने के लिए भी काटले की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हम रिब से ले सकते हैं, कान से ले सकते हैं. तो ये हम देखेंगे उस टाइम जब आप आएंगे, आपसे डिस्कस किया जाएगा कि आपको कौन सा पार्ट से हमें अलाउ करेंगे ये कार्टिलेज निकालने के लिए. जब हम इसको उठाएं उस टाइम ये देखा जाता है कि भाई अब आपकी नाक कितनी वाइड दिख रही है. देखिए, टेंट की तरह होता है. टेंट जितना ऊंचा होगा तो उतना नीचे का हिस्सा जो है वो पतला नज़र आएगा, लेकिन अगर टेंट जो है कम नीचे है तो अब देखिए मेरे हाथों का हिस्सा जो है ज़्यादा चौड़ा नज़र आ रहा है. तो हो सकता है कि आपको जो वाइड नोज नज़र आ रही है वो इसलिए नज़र आ रही होगी क्योंकि आपकी नाक की हाइट कम है. तो जैसे ही नाक की हाइट को उठाया जाएगा तो हो सकता है कि वो उस समय जो आपके नाक ये चौड़ाई है जो आप बोल रहे हैं वाइड नोज वो नॉर्मल जैसी ही दिखने लगे. तो वो डॉक्टर जो है जो ऑपरेशन टेबल पर ही डिसाइड करेंगे कि आपकी नाक की हड्डी को भी थोड़ी काट के पतला करने की ज़रूरत है या नहीं है. लेकिन ये टेक्निकल चीज़ है, ये डॉक्टर आपके देख के बताएंगे. लेकिन अगर फ्लैट नोज है तो बेसिक चीज आपको याद रखें कि आप उसको हमें ऑगमेंट करना पड़ेगा. इसको ऑगमेंटेशन राइनोप्लास्टी बोलते हैं. ऑगमेंट का मतलब होता है किसी चीज को और बड़ा करना या बढ़ाना. तो अगर हाइट कम है तो हाइट को बढ़ाना है, और बढ़ाएंगे कैसे, उसके लिए हमें कुछ डालना पड़ेगा. या तो आप इम्प्लांट डालिए सिलिकॉन का, या आप कार्टिलेज डालिए. और कार्टिलेज डालते हैं तो फिर आपको देखना है रिब से लेना है, सेप्टम से मिल जाता है कि नहीं मिलता, या कान से मिलता है. तो अलग अलग चीजें होती हैं. तो बेसिकली मैं जो आपसे कहना चाहूँगा ये कि यू नीड ऑगमेंटेशन राइनोप्लास्टी, देर इज नो डाउट अबाउट दैट. वो आप उसकी तैयारी कर लीजिए और बाकी वो अपने सर्जन पे भी छोड़ दीजिए. वो आपको बताएंगे कि शायद उनको आपकी नाक की ऑस्टियोटॉमी की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, लेकिन वो दोनों ही चीज़ें एक बार में हो जाएंगी अगर उसकी ज़रूरत है तो. नहीं तो आपको किसी अच्छे कॉस्मेटिक सर्जन से जाइए, डिस्कस कीजिए, एंड आई थिंक यू शुड गो हेड फॉर दैट. क्योंकि आपकी जो अगर उम्र हो गई है नेचुरली और आप 18 साल के करीब हो चुके हैं, आपको लगता है कि आपके अब लुक्स जो हैं और अच्छे होने चाहिए, आपको थोड़ा और हैंडसम दिखना चाहते हैं, तो आप नेचुरली किसी अच्छे कॉस्मेटिक सर्जन से संपर्क करें. गो फॉर ऑगमेंटेशन राइनोप्लास्टी, आई एम वेरी श्योर दैट यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स. सो नथिंग टू वरी अबाउट इट. एज आई ऑलवेज से, बी पॉजिटिव एंड गो हैड, फेस द चैलेंज. तो मुझे उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा. लेकिन इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई शंका है, तो आपका स्वागत है. आप हमारी टीम से संपर्क करें. हमेशा की तरह हमें बड़ी खुशी होगी आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में. और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू वेरी मच.